नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज कुमार साहू, कंसल्टिंग फिजिशियन नर्मदापुरम से। जैसा कि सबको मालूम है, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में इसको आयोजित किया जाता है। इस पे एक मैराथन का आयोजन किया है सेठा कैंसर हॉस्पिटल और डिवाइन सिटी बिल्डर्स के तत्वाधान में। मेरा आप सबसे जनमानस से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भाग लेकर और लोगों को तंबाकू के बारे में अवगत कराएं, इसके दुष्परिणामों से परिचित कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा तंबाकू से दूर रहने के लिए लोगों को अवगत कराएं। तंबाकू अपने आप में एक नशा नहीं है, यह एक बीमारियों का घर है जिससे व्यक्ति विशेष में तो परिवर्तन होते ही हैं। सबसे ज़्यादा परिवर्तन आता है उसके परिवार, उसके घर में, उसके बच्चों पे, उनके माँ बाप पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि घर का जो मुख्य कमाने वाला व्यक्ति है, यदि वो तंबाकू और तंबाकू से रिलेटेड डिसऑर्डर से यदि पीड़ित होता है तो पूरा परिवार सफ़र करता है। जैसे सांस की तकलीफें हैं, हार्ट अटैक हैं, व्यक्ति के काम करने की क्षमता में परिवर्तन है। अब कैंसर तो सर्वविदित है, जो सबसे भयावह है वो तो कैंसर ही है, पर इससे रिलेटेड फेफड़े और दिल की बीमारियां भी, और जैसे लोगों के काम करने की क्षमता में पैरों के दर्द हैं, ये सब सारी चीज़ों में परिवर्तन भी एक महत्व है। तो मेरा अनुरोध है कि सब मिलके इस तंबाकू जैसे राक्षस को अपने समाज से दूर करें, सबको चेतन कराएँ कि तंबाकू से दूर रहें। जी नमस्कार। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।